नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ IDFC बैंक के हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ पर जो आपको नंबर बताने वाला हूँ, ये मैं दो बार बताऊँगा। पहली बार में आपको लिखना है, दूसरी बार में बताऊँगा तो आपको उसे मैच करना है कि आपका नंबर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर बोलता हूँ, आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे मैं बताऊँगा आपको क्या करना है आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको नंबर नोट करना है 1-800-419-4332। तो ये नंबर है। अभी आपको दोबारा से एक बार मैच करना है, आपने नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखना है आपको पहले 1-800-419-4332। ये नंबर है IDFC बैंक हेल्पलाइन नंबर, यानी कि कस्टमर केयर का नंबर है। अब आपको इस पर कॉल करना है। जैसे आप कॉल करोगे तो अब आपसे पूछा जाएगा आप किस भाषा में बात करना चाहते हो। आपको लैंग्वेज वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल आप हिंदी या इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कार्ड ब्लॉक करने के लिए 2 दबाएं, या फिर अकाउंट बैलेंस पूछताछ के लिए ये दबाएं। ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही बताएं, मतलब कार्ड ब्लॉक करने के लिए 1 दबाएं और अकाउंट बैलेंस जो पूछताछ के लिए 2 दबाएं। हो सकता है ये 8 पे जाए, 7 पे जाए, आगे पीछे हो सकता है। और अगर आपको ये नहीं ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपको जो पूछना है वो अगर वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तब आपको वेट करना है जब ये ना कहे कि कॉल एजेंट से बात करने के लिए 2 दबाएं, या फिर कस्टमर केयर से बात करने के लिए ये दबाएं। तब तक आपको वेट करना है। जैसे बोलता है उसके बाद आपको क्लिक करना और कस्टमर केयर से आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। तब जाकर के आप कस्टमर केयर को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, जो भी आपको पूछना हो या फिर जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप इजीली उनको बता सकते हो और उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ऐसे में वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह पूछेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको उनको बताना होगा। डिटेल्स में क्या है, ये OTP वगैरह ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, ही कोई कार्ड का CVV नंबर इस तरीके से कुछ नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ आपसे ये पूछेंगे अकाउंट नंबर बताइए, आप अपना नाम बताइए, आप अपने पिता का नाम बताइए, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये अकाउंट आपका ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनसे बात करना, उसके बाद जो भी आपको पूछना वो पूछ सकते हैं।